आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, दिवाली में जो मिठाइयाँ बनती है या फिर नमकीन बनते हैं वो हम सभी को बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये मिठाइयाँ या नमकीन आपको स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य भी दे, इससे आपको कोई नुकसान ना हो, तो इसके लिए आयुर्वेद की 9 बातों को या नियमों को आप फॉलो कर सकते हैं और ये बहुत आसान है। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहला नियम है कि ये जो मिठाइयाँ या नमकीन है वो आपने घर पे बनानी है। अब देखिए, आयुर्वेद में आहार विधि विधान बताया है, यानी खान पान से संबंधित जो नियम है बहुत ही विस्तार के साथ बताए हुए है। तो खान पान से संबंधित उसकी जो शुरुआत होती है वो खाना बनाने से ही होती है। तो जब भी हम खाना बना रहे हैं तो उसको शांत प्रसन्न मन से बनाना है, क्योंकि हमारी मन की स्थिति का असर भी उस अन्न पे होता है। तो सबसे पहला नियम यही है कि ये जो मिठाइयाँ या नमकीन है वो आपने घर पर बनानी है और वो भी बहुत ही शांत और प्रसन्न मन से बनानी है। दूसरा नियम है कि ये मिठाइयाँ बनाते समय आपने ट्रेडिशनल फूड या ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करना है। अब देखिए, आयुर्वेद में देश साथ में बताया हुआ है, यानी जिस देश में, जिस प्रदेश में, यानी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे उगने वाला जो अनाज है या फिर वहाँ पे जो चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल होती है, जो चीज़ें वहाँ पे बनती है वो आपके लिए साथ में है, यानी आपके शरीर के लिए वो सूटेबल है, अनुकूल है, तो उन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। दूसरा जो है कि जो चीज़ें आपके फैमिली में बनाती आई यानी आ रही है, जो ट्रेडिशनल फूड है आपके लिए, तो वही चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके शरीर के लिए भी और ज़्यादा सूटेबल होती है। तो ये जो देश साथ में है या जो ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल मेथड है, ये आयुर्वेद का दूसरा नियम है। तीसरा नियम है कि जो भी चीज़ें हमारे डाइजेशन के लिए इजी है, यानी इजी टू डाइजेस्ट है, हमारे सिस्टम के लिए इसे पचाना ज़्यादा इजी है, उनका आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मूंग की दाल आयुर्वेद में पथ्यकर कही जाती है, ये पचाने के लिए भी बहुत हल्की है। तो इस मूंग की दाल को भून के, इसको घी में भून के आप उसका जो लड्डू है वो बना सकते हैं। लेकिन जो चने के आटे से या फिर जो उड़द का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसे पचाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, तो इस बात का भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। खास करके जो चीज़ें हमें हमेशा यानी एज अ हेल्दी ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि नारियल है या फिर तिल है, इनको आप इसमें ज़रूर इस्तेमाल करें। मैदा वगैरह जो है उसका इस्तेमाल कम करें, यहाँ तक कि जो घी है, तो जो गाय का जो देसी गाय का जो घी है वो आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन जो वनस्पति घी या फिर जो डालडा है तो उसको अवॉइड करना है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। स्पेशली जो भून के जो हम चीज़ें बनाते हैं यानी रोस्ट करके जो चीज़ें बनाते हैं वो प्रिफर करनी है। फ्राइड चीज़ें हैं या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुकिंग है वो भी हमने कम करना है। यहाँ तक कि जैसे आप चूड़ा बना रहे हैं तो उसको फ्राई करने के जगह पे जो भून के आप बनाते हैं वो ज़्यादा ईजी है डाइजेशन के लिए। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान आप रख सकते हैं। जो चौथा नियम है वो है कि मीठा जो है या मिठाइयाँ है तो वो आप खाने के शुरुआत में ले। देखिए, जब आपका अग्नि प्रज्वलित है, बहुत अच्छे से भूख लगी हुई है और इस समय पे जब आप ये मीठा स्वाद लेते हैं तो इस मीठे का यानी इसको पचाने के लिए जो हमें एफर्ट्स लगते हैं या जो मीठे स्वाद की जो चीज़ें हैं वो पचने के लिए हेवी होती है। तो जब आप खाने की शुरुआत में इसे लेते हैं तो सिस्टम के लिए इसे पचाना बहुत ईजी होता है। यानी अब ये यज्ञ जो है ये प्रज्वलित है तो जो भारी चीज़ सबसे पहले जाएगी उसको ये आराम से पचाएगी। तो आयुर्वेद में जो 6 स्वाद बताए जाते हैं उसमें सबसे पहला जो स्वाद या जो सीक्वेंस आयुर्वेद में बताया जाता है तो सबसे पहले आपने मीठा स्वाद लेना है, लेकिन आज हम जो स्वीट डिश है वो आखिर में लेते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि अगर आप इस तरह से खाने के आखिर में मीठी चीज़ें लेते हैं तो ये आपके शरीर में कफ को बढ़ाता है, आपके अग्नि को स्लो करता है, यानी जो आपका जठर अग्नि है वो इसके कारण मंद होता है। तो ऐसी चीज़ें पचाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो मीठी चीज़ें हैं वो आपने शुरुआत में लेनी है, ये आयुर्वेद का चौथा नियम है। प्रकृति के अनुसार भी जो मिठाइयाँ या नमकीन चीज़ें हैं उसका चयन आपने करना है। अब देखिए, जो लोग वात प्रकृति के हैं या जिनके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है तो आयुर्वेद कहता है कि मीठी, खट्टी या खारे स्वाद की जो चीज़ें हैं यानी जो नमकीन चीज़ें हैं वो शरीर में वात को कम करती है। तो ये सभी लोग इन स्वाद से बनी हुई जो चीज़ें हैं यानी जो मीठा रस है,
खारा या नमकीन है या खट्टी चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। या तक कि ये लोग थोड़ा सा फ्राइड है या तेल या घी थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो भी इनको चल सकता है। लेकिन जो कफ प्रकृति के लोग हैं या जिनके शरीर में कफ थोड़ा ज़्यादा है तो उनके लिए वो लोग अगर ज़्यादा फ्राइड चीज़ें लेते हैं तो ये कफ ज़्यादा बढ़ के उनको तकलीफ़ हो सकती है। उनके लिए जो तीखा स्वाद है यानी जो स्पाइसी चीज़ें हैं वो उनको ज़्यादा अच्छे से सूट होगी। जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उन्होंने तीखी है या खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी है, लेकिन ये लोग मीठी चीज़ें ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि जो मीठा स्वाद है वो पित्त को कम करने के लिए ज़्यादा अच्छे से मदद करता है। अब देखिए जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनका अग्नि यानी उनका जठराग्नि बहुत अच्छा है, तीक्ष्ण अग्नि है, तो इनको भूख भी बहुत अच्छी रहेगी। ये जो खाना हम खाते हैं उसका पचन भी बहुत अच्छे से करेंगे, तो इन्होंने अगर थोड़ी सी हेवी भी मिठाइयाँ खाई तो भी वो उसका पचन जल्दी से करेंगे। लेकिन जो कफ वाले लोग हैं उनको ये मिठाइयाँ पचने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो इस तरह से आपकी प्रकृति के अनुसार भी आप मिठाइयाँ या नमकीन इनको चूज कर सकते हैं। मिठाइयाँ या नमकीन खाते समय आपके अग्नि का यानी जठराग्नि का ध्यान भी ज़रूर रखना है कि जैसे कि जो लोग वात प्रकृति के हैं उनका विषम अग्नि है, विषम यानी इनको कभी भूख रहेगी कभी नहीं रहेगी। तो जब भी आपकी भूख अच्छी है तो उस समय पे आपने ये चीज़ें लेनी है। जब भूख नहीं है या खाना खाने का मन नहीं है या आपकी सिस्टम रेडी नहीं है तब थोड़ा सा रुकना है। अब जैसे हमने पहले भी देखा कि जो लोग पित्त प्रकृति के हैं उनका तीक्ष्ण अग्नि है तो इनकी भूख अच्छी है तो वो लोग ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन जो कफ प्रकृति के हैं जिनका मंद अग्नि है उन्होंने थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी को कम लेना है या फिर जब उनकी भूख है तभी आपने इसे लेना है ताकि आपका जो अग्नि मंद है तो वो इसे अच्छी तरह से पचा सके। आपकी फिजिकल एक्टिविटी या आप कितना एक्सरसाइज करते हैं इसके अनुसार भी जो भी स्वीट्स या फिर आप नमकीन वगैरह लेते हैं तो वो भी आपने ज़रूर देखना है। जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, जो लोग बहुत अच्छे से एक्सरसाइज या व्यायाम करते हैं और जिनकी भूख अच्छी है यानी जिनका अग्नि बहुत अच्छा है तो वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में या हेवी चीज़ें भी लेंगे तो उनको बहुत अच्छे से पचेगी। लेकिन जिन लोगों की बहुत सिडेंटरी लाइफस्टाइल है या उनकी भूख उतनी अच्छे से नहीं है तो उन्होंने थोड़ा सा संभाल के करना है। स्पेशली इन लोगों ने जो फ्राइड चीज़ें हैं उनको कम लेना है, तो बस इस तरह से थोड़ी सी सावधानी लेनी है। ये जो दिवाली का त्यौहार है ये 5 दिन का है, तो यहाँ पे जो हम मिठाइयाँ ये जो नमकीन चीज़ें खा रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेड है कि हमने इनका 5 दिनों तक इनको लेना है या इनका सेवन करना है। लेकिन काफ़ी बार ऐसे होता है कि हमने बहुत सारी मिठाइयाँ बना के रख दी तो हम दिवाली ख़त्म होने के बाद भी इसको काफ़ी दिनों तक लेते रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको कि जो दिवाली के दिन है या जो फेस्टिवल है उस समय पे इसको एंजॉय करना है, लेकिन जो बाद के दिन है उस समय पे इसको कंटिन्यू नहीं करना है। मिठाइयाँ खाते समय हमारे मन की स्थिति भी इसके पचन पर असर करती है। अब देखिए आयुर्वेद का ये जो ये कंसेप्ट है कि खाना खाते समय हमें शांत प्रसन्न मन से मौन से इसे खाना है, यानी उस समय पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है या फिर इसको अच्छी तरह से चबा के खाना है, यानी हमारा जो सलाइवा है वो भी उसमें मिक्स हो तो उसका पचन भी बहुत अच्छे से है। और दूसरा है कि मिठाइयाँ या नमकीन आप खा रहे तो कोई स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना है कि पता नहीं मैंने इसे खाने के बाद मेरा वेट गेन ना हो जाए या फिर ये कुछ अनहेल्दी चीज़ें हैं। तो इस तरह की सोच अगर आप चलाते हैं तो उसका भी उसके डाइजेशन पर असर होता है, तब यानी आपने इसे एंजॉय करना है पूरे मन के साथ इसे खाना है। बस यानी आपके मन की स्थिति और इसका जो पचन है इस दोनों के बारे में ये जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से हेल्प करती है। तो इस तरह से आयुर्वेद की ये 9 टिप्स हमें स्वास्थ्य के साथ साथ स्वास्थ्य भी प्रदान करेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।